तो यहाँ से निकलते हैं। और अभी तो हाल फिलहाल में मैंने नेटवर्क पे भी टच किया था, जैसे अभी मैं बता रहा था काम वाम करवाया गाड़ी के अंदर, तो इकोनॉमिक स्पीड में हम चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक स्पीड में ऊपर नहीं जाना मेरी जान, कंट्रोल, हाँ कंट्रोल, उदय कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन कटिंग मारने में तेरी मना तो ना करा है, कटिंग तो तुम्हें पता है कितने प्यार से हल चल के कटिंग मार लेते हैं, मतलब फॉर्चुनर दिख रही है, ग्लैमर के बदले फॉर्चुनर दिख नहीं, बस 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 नहीं देखना। ओ भाई ऐसा, यहाँ पे ये लोग गाड़ियाँ बहुत गलत खड़ी करते हैं, ये देखिए अपन तो छाया में भगेंगे, छाया में भगेंगे, छाया में भगेंगे। छाया में भग लो भैया, धूप बहुत हो रही है, ये तो भाई बैठे बैठे सो रहा थी। और कुछ चीज़ों का तो वैसे भी काफ़ी ध्यान रखना है, हो गई। वो बेचारा आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ से सीधा जाऊंगा और बासठ की तरफ से होता हुआ, बासठ की तरफ से होते हुए जाएंगे। और ही 50 के ऊपर नहीं ले जाता है, हैजार्ड ऑन कर देता हूँ, 50 के ऊपर नहीं जाएगी भाई बाइक मूवी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भैया अपन नॉर्मल ही चलाएंगे, वैसे भी सामने रेडी हो चुका, तो इतनी जल्दी जाके फायदा भी कुछ नहीं मिलेगा, फालतू में धूप में ही खड़े होने को मिलेगा। और बाकी मुझे लग ही रहा था यही कैसे विक्रांत होगी, थोड़ा सा छाया में हो जाऊँ, ये हो गया हो गया, छाया में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है भाई, अब गर्मी ज़्यादा है। इंजन करो बंद, हैजार्ड करो बंद। भाई आजकल तो ब्लॉगरों की ज़िंदगी ख़राब कर ली है, कुछ मिल ही नहीं रहा, कहीं जा नहीं सकते, घर वाले राइट पे जाने नहीं दे रहे, कहीं का कंटेंट तुम्हें दिखा नहीं पा रहे, कुछ है नहीं दिखाने के लिए, कुछ दिखाओ तो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। यूट्यूब भी कुछ नहीं कर रहा, मनी कम लेके यूट्यूब मनी भी ऐसी जा रही है, कहीं से कुछ पैसा कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन क्या है, ट्राई तो फिर भी करना ही है, काम तो करना है ही है, कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे। और बाकी मिरर वापस नीचे करते हुए, लेकिन एक बात है, यहाँ की रेड लाइट की एक चीज़ है भाई, सब पुलिस वालों ने डर के चलान काटे हैं सबके, जो जितने भी रेड लाइट से। वैसे आजकल एक चीज़ सही कर दी भाई, पता ही क्या, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मतलब आजकल पुलिस वालों को जाने की ज़रूरत नहीं है भैया, ये काम है। अच्छा ठीक है, सीधा फोटो क्लिक हो गया थे, अब तो हो गए, आप तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
तुझे भी लड़की को देनी पड़ेगी क्या? अब तो समझ जा। वाह, खुद के तो इंडिकेटर का एक भी है, लाल लाइट ही नहीं है यार। हम तो भैया कोने में चलाने वाले बंदे, कोने में चलाएंगे जब तक अपनी 50 ना हो जाए। हमें तो भैया कोने में चलाना है, एक कोने में उससे अभी बंदे समझ जाए कि बंदे को प्रॉब्लम है हैजार्ड ऑन करके चलाने से। और एक तो मुझे पता है आरव भाई से बात करनी पड़ेगी, कोई ऐसा बंदा हो जो टायर की अच्छी नॉलेज रखता हो, तो जो पीछे वाला टायर है ना वो बहुत दिक्कत दे रहा है। और बाकी धीरे धीरे करते हुए 113 किलोमीटर तक पहुंच गए। तो जल्दी से जल्दी ये लकड़ियाँ भैया काटे वाली लकड़ियाँ हैं, इतना भी मैं कोने में नहीं चल सकता। चलो समझदार सा इंडिकेटर दिया, वेरी गुड, ऐसे ट्रक वाले मुझे पसंद है जो इंडिकेटर का भरपूर इस्तेमाल करें। आप बंद कर देना चाहिए, अगर इधर का इंडिकेटर दे देना चाहिए। तो फिर ये जरूरी है, ये तो वाली ड्रॉइंग लग रही। हाँ मीठे तो माँ वही लग रही है, लेकिन यार बनाने वाले ने क्या ड्राइंग बनाई है यार, ये तो वो था, लेकिन बनाने वाले ने क्या बनाया इन ड्राइंग को। अगर इनको कोई सही बता, कोई पेंटर होगा ना जो बढ़िया वाला, भाई साहब इन ड्राइंग की फीलिंग समझ जाएगा, मतलब क्या चीज़ है जिस लेवल में इन सबको बनाया है। यहाँ भी लग रहा है हेजार्ड ऑन करके चलानी पड़ेगी भाई। एक एक चीज सोच के यार मैं वही चीज देख के हैरान होता हूँ कि बंदे ने क्या बनाया। देखो फोन पे लगा हुआ है, और बाकी इसका स्क्रीन देखो मास्क करके जाइए, मास्क ड्राइंग ड्राइंग एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ड्राइंग।
आराम से लहराते हुए चलाऊं, कम स्पीड में लहराऊं, क्या दिक्कत है? बाइक में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? पहले रिकॉर्डिंग देखो कितनी देर की हो गई। दस मिनट के निकल गई।